गुड मॉर्निंग पिले माने केमति अछ आशा करछि तम माने निश्चय भलरे थिबो सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ईसु विद्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय एसटी एंड एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो पिले आमे तो लास्ट क्लास रे हमर कोन पढुतले ना नवम श्रेणी हमर जीव विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय जहार नाम हला जीवकोश ओ एहार संगठन बा सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन पिले आमे ई चैप्टर रो प्राय समस्त वंश पढी सालेनी आ अल्प किछ अंश थिला जहा को आमे आज सारी दबा तो आमे ऑलरेडी ए जो विषयटा पढुतले ए विषय रे आमे कोष भित्ति कोषर झिल्ली तार स्ट्रक्चर फंक्शन बाबत रे पढिले कोष जीवक विषय रे पढिले कोष जीवक रे थिबा इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स बा कोष अंगिका गुडीका विषय रे पढिले तार स्ट्रक्चर आ फंक्शन विषय रे भी पढिले हना ने तो अनेक गुडे कोष अंगिका जेमति कि आमे हमर वैक्यूल्स विषय रे पढिले माइटोकांड्रिया विषय रे पढिले गॉल्गी कॉम्प्लेक्स विषय रे पढिले हना ने आउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषय रे पढिले तो से सब ऑर्गेनेल बा अंगिका गुडीकर स्ट्रक्चर एवं फंक्शन बाबत रे मध्य आमे अनेक कथा पढि सारलेनी हना ने अच्छा पिले कहिले देखि ए जो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स बा गॉल्गी बॉडी आमे पढिले तारा कहा ताकु की आविष्कार करथिले कर पिले माने मन पड़नी ठीक पर पकैछ ए जो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स बा गॉल्गी बॉडी याकु हमर कैमिलो गॉल्गी नामक जने वैज्ञानिक आविष्कार करथिले अच्छा पिले तो आमे ए कोष अंगिका गुडा को पढी सारला परे ए अंगिका गुडा को जहा द्वारा नियंत्रित हुए से मुख्य अंश बाबत रे मध्ये आमे पढी सारलेनी नुए कहले देखि ता ना कोन न्यूक्लियस नुए कोन कहली पिले माने ता ना मने पडछ ना नै ता ना हला न्यूक्लियस बा न्यास्टी तो आम मनुष्य शरीर रे हमर जंती ब्रेन रहिछि बा मस्तिष्क रहिछि आ मस्तिष्क रो काम कोन ना आम शरीर रे थिबा समस्त अंग प्रत्यंग को से नियंत्रित करिथाय माने नै सेंति कोष भितरे तमरो न्यूक्लियस बा न्यास्टी रो काम मध्ये एक्जेक्टली सेया से मध्ये कोन करे ना कोष भितरे थिबा समस्त कोष अंगिका गुडा कर कार्य फंक्शन को नियंत्रित करिथाय छड़ा पिला पिले माने आमे नेस्टी पढ़िले और नेस्टी परे आमे क्रोमोजोम विषय रे भी लास्ट क्लास रे पढ़ुतिले तो मु टिके तुमको मन पकई दउची सम्यक रे क्विकली जे आमे लास्ट क्लास रे कोन पढ़िले ना क्रोमोजोम बा गुणसूत्र गुडा कर कोन पढ़िथिले टाइप्स बा प्रकार भेद विषय रे पढ़िथिले कोन कोन सब पढ़िथिले ना चारि प्रकार रो आमे गुणसूत्र बा क्रोमोजोम प्राय देखिया को पाऊ बोली मु तुम मानको कहिथिली ने पिले ए जो प्रकार भेदटा सेटा फुनी तमरो कोन ना गुणसूत्र रो केंद्र बा सेंट्रोमियर रो उपस्थिति उपरे भिक्ति करिकरी आमे प्रस्तुत करथिले बा पढिथिले तो सेई जो प्रकार भेद गुडा पढिथिले आमे कोन कोन ना मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक एवं टेलोसेंट्रिक ताले पिले चलो आज आमे गुणसूत्र रो स्ट्रक्चर बाबत रे आउ टिके क्लियरली पढिबा बुझिले कि नै देखो जदि एमती दुईटा क्रोमाटिड मो अंकन कली बाईटा जदि क्रोमोजोम मो अंकन कली तले याको हमें कौन कहले ना सेंट्रोमियर बोली कहले अच्छा पिले ए जो क्रोमाटिड दुईटा रहिला तमे देखो भई भलो कि याको अनुध्यान करिवो तमको ए उपरे गोटे याको हमें कौन कहुचे ना आर्म बोली कहुचे कौन कहुचे ना आर्म बोली कहुचे बुझिले पिले कौन लिखली आर्म अच्छा पिले ए जो आर्म देखा होचे देखो सेंट्रोमियर रो ऊपर को देखो टिके छोटो बा सानो आकृति रो आर्म देखा जाउची हना नै एवं यार तळ को टिके बडो आकृति रो बा बडो साइज रो आर्म ता देखा जाउची बुझेला पिले माने तो ए जो तमरो सानो बा छोटो आकृति रो आर्म रहिला ताको हमें कोन कहूचे पी टाइप आर्म कौन कहली पिले माने ए जो छोटो आकृति रो आर्म ता तमे देखिया को पाइला एठी ताको मु कौन कहली एटा देखो मु टिके डार्केन कर दउची जा फळे कि तमको बुझिबा को सुविधा हबो ए जो छोटो आकृति रो आर्म ता रहिला ताको हमें कौन कहले पी टाइप रो आर्म बोली कहले बुझेला सानो आर्म ता आउ जो बडो आर्म ता रहिला बुझेला माने कर एठ वेति के हला ताले देखो गोटे तुलना कले तमे जानि परिबो या अनुसारे एटा निश्चित सानो अरे नै ए जो बड़ो आर्म टी रहिला जहाँ को मैं डार्केन कली ताकू आम कौन कहले ना क्यू टाइप आर्म बुझेला पिले ताहले ए जो क्रोमोजोम तमरो रहिला सेथिरे हमर कौन रहिला ना पी टाइप आर्म आउ क्यू टाइप आर्म तमरो रहिला तनो समस्त क्रोमोजोम गुडा को आमे एई भरी भाबरे मध्य स्ट्रक्चरटा तारा अनुध्यान करि पारिबा
अच्छा पिले आमर ए जो क्रोमोसोम आमे देखुचु प्राय प्रत्येक जीवकोष रे आमे क्रोमोसोम देखिबा को पाउचे आ ए जो प्रत्येक जीवकोष रे गोटे निर्दिष्ट संख्याक क्रोमोसोम थाए कोन कहले पिले माने गोटे निर्दिष्ट संख्याक क्रोमोसोम थाए बुझले कि नै बुझि पले पिले माने अच्छा ए जो क्रोमोसोम आमे देखिले प्रत्येक जीव रे जदिओ क्रोमोसोम थाए किंतु प्रत्येक जीव पै से क्रोमोसोम रो संख्याटा होची गोटे निर्दिष्ट त जेंति माने कर मनुष्य रहिला तार शरीर रे थिबा कोष रे थिबा क्रोमोसोम रो संख्या गोटे बाघर शरीर रे थिबा कोष रो कोष भीतर थिबा क्रोमोसोम रो संख्या संगरे समान नुहे बुझैला गोटे तमर गोलाप गछटे रहिला तार कोष रे थिबा क्रोमोसोम रो संख्या चढ़ेरा कोषरे थिबा क्रोमोसोम रो संख्या संगरे समान नहे चढ़ेरा क्रोमोसोम संख्या कोष भितरे गोटे निर्दिष्ट संख्या रे थाए एवं मनुष्य रो मध्ये गोटे निर्दिष्ट संख्या रे थाए इंटरेस्टिंग लाउ छने नै पिले माने अच्छा तमे देखिए कहिलो कि तम मन भितरु जानि छी जे हमो जो मनुष्य शरीर रही छी ता भितरे जो सेल बा कोष रही छी ता भितरे जो क्रोमोसोम रहिला तार संख्या केते जानि छ कि पिले माने आउ आउ ताल तमरा मने पड़नी आउ कौन आउ देख आमे जो मनुष्य शरीर रहिला ता भितरे जो जीवकोष रमर रहिला सेल रहिला ता भितरे केते रही छ क्रोमोसोम ना 23 जोड़ा बुझेला पिले माने 23 जोड़ा बा 23 पेयर आमे जहा को कहचे वन पेयर माने दुईटा बुझेला ना नै तेनु 23 जोड़ा क्रोमोसोम रही छ मनुष्य रो कोष रे आम मना करो शरीर रे जो जीवकोष रही छ सेतरे 23 जोड़ा माने 46 नंबर माने 46 टी क्रोमोसोम रही छ कहा शरीर रे एई आमे बा मनुष्य रो शरीर रे अच्छा पिले माने एई जो क्रोमोसोम तमरो जीव मानक शरीर भितरे रहिला जीव मानक शरीर रे जो कोष रही छ सेल रही छ ता भितरे रहिला ताकु आमे कोन करू ना 2m संख्याक बा डिप्लॉयड बा आमे ताकु कोन कहूचे ना 2 गुणित संख्या रे बोली कहू बा n संख्याक बा तमरा हैप्लॉयड बा जहाँ को आमे अगुणित बोली कहूचे बुझेले कि नहीं तले कौ संख्या रे पिले माने थाए ना 2n संख्याक बुझेला बा डिप्लॉयड बा n संख्याक बा हैप्लॉयड तमन को मनर गोटे संदेह आसीबणी जे गुरुमा गुणे एगुडा कोन कहिलेनी गोटे डिप्लॉयड कोन पुनि गोटे हैप्लॉयड कोन ठीक अछि पिले माने मु सेटा तम मन को क्लियर कर दउ छी मु तम मन कोन कहिली डिप्लॉयड माने 2 गुणित बा 2n संख्याक एवं हैप्लॉयड माने जोटा को मु कोन कहिली अगुणित बा n संख्याक पिले हमरो जीवर जो शरीर रही छी से शरीर रे जो कोष हमर रही छी प्राय 2 प्रकार रो गोटे हला कोन ना तमरो सोमाटिक सेल बुझेला आ गोटे हला तमरो जीनीय कोष बुझेला पिले माने तो बा जहा को मैं कहू छी जनन कोष बुझेला तो जो सोमाटिक सेल रहिला सोमीय कोष रहिला सेथिरे आमे कोन देखु ना जो 2n बा डिप्लॉयड संख्याक क्रोमोसोम आमे देखिबा को पाऊ एवं ए जो जनन कोष रहिला बुझेला पिले तो ए जनन कोष रे आमे कोन देखु ना n संख्याक बा हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आमे देखिबा को पाऊ बुझेला पिले आउ देखिबो पिले माने तमरो ए जो रहिला सुनेष्टीय कोष बा प्रैग्नेष्टीय कोष विषय रे मु तमको आगरो पढ़ै छी माने नै तमरो जो कोन पढ़ैली तमको प्रोकैरियोटिक सेल आउ यूकैरियोटिक सेल ए बाबत रे तमको आगो पूर्व क्लास रे कहि दै छी डिटेल्स रे तमरो ए जो सुनेष्टीय कोष रहिला बुझेला पिले बा यूकैरियोटिक सेल रहिला सेथिरे जो डीएनए थाए से गुडी को केमती थांती ना संगठित अवस्था रे थांती किंतु तमरो जो रहिला कोन प्राग्नेष्टीय कोष बा प्रोकैरियोटिक सेल रहिला सेथिरे जो डीएनए गुडा थाए क्रोमोसोम रे से गुडा को केमती थाए असंगठित अवस्था रे थाए बुझेला पिले माने अच्छा आ गोटे जिंस आमे जानिबा कोन ना तमरो कोष रे जो विभाजन हुए तमे तो ऊपर क्लास रे सब बाबत रे पढ़िबो सेल डिवीजन बा कोष विभाजन जोटा बुझेला किंतु टिके तमे एथरे भी जानिबा कथा जादोरा कि तमे क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर टा भल भाबरे जानि पारिबो त देखो मु ता बिषय रे टिके सम्यक कहि दउ छी कारण जेहेतु तमरो एटा तम बही रे नाही ऊपर क्लास रे अछि तमे आउरी ऊपर क्लास रे भल रे पढ़िबो त टिके तमे जानि थ त ए जो कोष रो जो विभाजन होउछि बुझेला पिले माने बा सेल डिवीजन होउछि सेटा कोन हुए ना तमरो
समो विभाजन हुए बा अर्ध विभाजन हुए बुझेला पिले ए जो समो विभाजन हमर होची एटा मध्य कोन रे चारि प्रकार रे हेथाय बुझेला तो कोन कोन ना प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज आउ टेलोफेज बुझेला पिले तमर ए जो समो विभाजन रो जो मेटाफेज अवस्था रहीची बुझेला ए मेटाफेज अवस्था रे कोन हुए ना क्रोमोसोम गुडा को कोन हेथाय ना दुई क्रोमाटिड विशिष्ट अवस्था रे परिलक्षित हुए केमती देखा जाय पिले माने ए जो क्रोमोसोम गुडा का रहिला एटा केमती ना दुई क्रोमाटिड केमती दुई क्रोमाटिड बुझेला ता माने ए जो तमरो मेटाफेज रहिला सेल डिवीजन रो सेही समय रे कोन हुए ना कोशर मध्य स्थल को मझिया मझी जागा को तमरो क्रोमाटिड गुडा का चली असे आ प्रत्येक क्रोमोसोम दुई क्रोमाटिड रे विभक्त होई स्पष्ट भाबरे देखा जांती बुझेला पिले आ ए जो समो विभाजन बा माइटोसिस आ अर्ध विभाजन बा मियोसिस समय रे तमरा कोन हुए ना क्रोमोसोम गुडा को कोन होंती ना कुंतलन होंती बुझेला पिले माने टर्म ता सुनि पालो कि नहीं बोलो बाबरे कोन कहिली मु ना कुंतलन बा ताको इंग्रजी रे आमे कहउचू कॉइलिंग बुझेला जेंदी देखिबो कॉइल गुडा को गुडे गुडे हेथाय सेही भली भाबरे तमरो कोन हुए ना ए जो कोष विभाजन सम विभाजन बा तमरो अर्ध विभाजन माइटोसिस बा मेओसिस समय रे कोन हुए ना क्रोमोसोम गुडा को कॉइलिंग हेअंते बा कुंतलन होई पूरा स्पष्ट भाबरे देखा जांती तो पिले माने आज तो समय हे जाईची आ ए विषय टी मध्य पूरा हमर संपूर्ण हे जाईची तनो ए विषय टी जहा जहा पढाला ताको टिके मन म दे के भलो भाबरे देखिबो बुझिबो आउ जहा जहा तो मोर पढिला ताको टिके लेखिया लेखि करबा को चेष्टा करबो सो बी सेफ बी एट होम थैंक यू।